आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहु फोर्ट के लोगों की ओर से रखी गई है, जो कि जिन लोगों की पेंशनें बंद की गई हैं उन्हीं की ओर से रखी गई है, जो कि ऑर्डर नंबर 156 जो कि एक तुगलकी फरमान है उसके निकालने के बाद इन लोगों की आज 7 महीने हो गए इनकी पेंशनें बंद है, इन गरीबों की पेंशनें बंद है। जगह जगह ठोकरें खाने के बावजूद भी इन्हें कहा गया कि अपना एज सर्टिफिकेट बनाओ, मेरा के एज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इनके पास वो आधार कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है। और उसके बाद इन्हें कहा गया जो हम 80-80 साल की हमारी जो विधवा माताएं हैं उन्हें बोला गया कि जो आप विडो नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट लाइए, आपने शादी तो नहीं की है। आप अंदाजा लगाइए किस किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे जा रहे हैं। मेरी क्या कैंप लगाने की जरूरत थी जब इनके बीपीएल नहीं बनाने थे तो? आज हम जाते राशन जब हम फाइलें लेकर जाते हैं वो कहते हैं जिसका एक भी बेटा, क्यों बाइफर्केशन हो ही नहीं है, बुजुर्ग जो है बूढ़े बुजुर्ग के लादा रह रहे हैं लेकिन राशन कार्ड में इकट्ठे हैं वो, लिहाजा उनके बीपीएल नहीं बन रहे हैं। मेरी आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी से मेरी अपील रहेगी कि कल वो कारपोरेशन में आएंगे, लोग कारपोरेटर को फेलिसिटेट करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मेरी इसके साथ मेरी अपील रहेगी कि वो अनाउंस करें ऑर्डर नंबर 156, या तो उसकी पीएचएच की कंडीशन डिलीट करें या तो फिर इनके पीएचएच बनाने के लिए ऑर्डर करें, ना इनके पीएचएच बन रहे हैं वो ना ही इनकी पेंशनें लग रही है। लिहाजा ये लोग दर्द दर ना हो, इससे आगे ज्यादा दर्द दर ना हो, इन लोगों की आवाज सुनी जाए, इनका दर्द सुना जाए। आज भी ये खून के आंसू रो रहे हैं जिनके पास उस पेंशन के सिवाय कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है, बताओ मुझे कहां जाए वो। ये वही सारे लोग हैं 85-85 साल के, ये मेरे साथ ये 91 साल के उम्र का जी है, मुझे बताओ ना इनका पीएचएच बन रहा है और ना ही इनको पेंशन मिल रही है, किन लोगों के पीएचएच बनाने। लिहाजा ये आप देख सकते हैं, इन लोगों की कंडीशन देख सकते हैं, ये इन लोगों के या तो पीएचएच राशन कार्ड बनाए, नहीं तो जो कंडीशन है जो ऑर्डर नंबर 156 में जो कंडीशन रखी गई है कि इनके जो पीएचएच राशन कार्ड होने चाहिए या तो वो डिलीट होनी चाहिए, कभी जाकर लोगों की पेंशन लगेगी वरना लोगों की पेंशनें नहीं लगेंगी। और जो बद्दुआएं देते रहेंगे, इनसे मुंह से बद्दुआएं और क्या निकलेगा, जिस आदमी का कोई चारा ना जले, सुनवाई ना हो तो वो क्या करेगा, उससे बदमाशी निकलेगी ना। लिहाजा मेरी आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी, मेरी वर्दी चीफ सेक्रेटरी से मेरी अपील रहेगी कि इन लोगों की जो पेंशनें हैं, जिन लोगों की पेंशनें लग गई हैं उन लोगों की पेंशनें बहाल होनी चाहिए। श्यामा सिंह जी, पहले भी आप एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें भी आपने बोला आपकी मांगों को सुना जो नहीं जा रहा अभी तक। देखो ये बहुत ये तो एक बड़ा है, जनवरी में हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ था जनवरी में, उसके बाद हम लगातार हमारे प्रोटेस्ट रहे और हमारी जो हाउस के अंदर भी जनरल हाउस मीटिंग के अंदर भी जो प्रस्ताव पास किया गया था कि एलजी साहब से टाइम लेंगे और हमारी सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन जिसका मैं भी मेंबर हूं, सोशल जस्टिस कमेटी का मेमोरेंडम बनाया गया, वही मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा गया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा गया, जो सोशल एम्पावरमेंट के जो मंत्री हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर है यूनियन स्टेट मिनिस्टर अठावले जी, 4 बार उनके साथ भी मुलाकात की गई, मेमोरेंडम दिया गया। और उसके बाद ऑनरेबल एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया गया, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेयर उनको मेमोरेंडम दिया गया। मुझे बताया बच्चा कौन सा रास्ता रह गया, हम तो लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं, लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इन गरीबों की सुनो, इन गरीबों के आंसू पहुंचे, इनके आंसू जो खून के आंसू रो रहा है इनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो करें, गरीबों के स्थान के लिए क्या करें, जब 1000 हम पेंशन ही नहीं दे पाएंगे जो कि बाकी स्टेटों में, अभी हरियाणा की बात करें कि 2500 थी उन्होंने 2750 रुपए कर दिए, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, सब जगह पेंशनें ज्यादा हैं लेकिन यहां पर 1000 थी और वो भी छीन ली गई। इससे क्या दर्शाया जा सकता है,
लिहाजा मैं दोबारा मैं अपील करूंगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि या तो पीएचएच कंडीशन उसकी डिलीट कीजिए और जान के पीएचएच बनाइए, तब जाकर इन गरीबों की परचम लगेगी। सर आपने कहा कंडीशन पीएचएच, उसके अलावा भी जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बूढ़े लोगों के लिए वो पूरी करना, किस तरह कंडीशन बहुत ज्यादा लगाई गई है। अरे 91 साल का बुजुर्ग है, 91 साल का बुजुर्ग है, इसे बोलते हैं जाओ एज सर्टिफिकेट लाओ। 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं हैं, उन्हें बोलते हैं जाओ विडो नॉन रैन रीमैरिज सर्टिफिकेट लाओ। इस तरह की जो कंडीशनें लगाई गई हैं वो कंडीशन, मैं कहता हूं कि कंडीशन सारी पूरी कर लेंगे, पीएचएच की कंडीशन डिलीट कीजिए, बाकी सारी की सारी कंडीशनें पूरी कर देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीएचएच की कंडीशन जो है वो डिलीट होनी चाहिए, जाएंगे पीएचएच राशन कार्ड बननी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों की डेमोक्रेटिक वे से डिमांडें पूरी ना हो, अगर वो उसके आगे में रास्ता हो ही जाता है सड़कों पर, उतने और क्या रास्ता रहता है। ठीक सर।